वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स। क्लास 12 की बायोलॉजी में यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है इस सीरीज़ में। सो लेट अस स्टार्ट। जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है। टू कोर टेक्निक्स यूज्ड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये प्रिंसिपल्स हों चाहे ये टेक्निक्स पूछे हों, टू कोर टेक्निक्स दैट हैव एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो आपको चाहे प्रिंसिपल्स पूछा हो, चाहे आपको कोर टेक्निक्स पूछे हों बायोटेक्नोलॉजी के, आंसर सेम होगा। तो इसमें जो मेन दो पॉइंट्स हैं जो आपको रटने ही हैं, फर्स्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। इसे कई बुक्स में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी बोला गया है, बट सिंस हम एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग दिया है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसका मतलब है अल्ट्रेशन, चेंज करना ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देना या अल्टर कर देना उसके केमिकल कंपोजिशन को। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो डीएनए के केमिकल कॉम्बिनेशन को हम चेंज कर देंगे और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंट्रोडक्शन इनटू अ होस्ट, उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या किसी दूसरे के डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे, ओके? तो हमने क्या किया अभी तक? अल्टर कर दिया डीएनए आरएनए को और फिर उसे होस्ट में डाल दिया। क्यों डाल दिया? टू चेंज द फीनोटाइप ऑफ द होस्ट, टू चेंज द फीनोटाइप ऑफ द होस्ट। अब फीनोटाइप मतलब होस्ट का कोई फीचर, ठीक है ना। तो डीएनए ही फीनोटाइप और जीनोटाइप को कंट्रोल करते हैं, तो हम फीनोटाइप को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। कैसे? डीएनए को यूज़ करेंगे, अल्टर करेंगे, होस्ट में डालेंगे और होस्ट का फीनोटाइप या कोई ना कोई फीचर बदल जाएगा। अब इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस, सिंपल से एग्जांपल है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ यहाँ पे आपको। गोल्डन राइस जो है, इसमें हम एक विटामिन ए की जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि विटामिन ए बना सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जीन है या डीएनए है, इसे हम डालेंगे नॉर्मल राइस में। आम जो राइस होता है, वाइट कलर का राइस, उसमें हम विटामिन ए की जीन को डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? गोल्डन राइस। कैसे? ये जो डीएनए हमने नॉर्मल राइस में डाला है वो हमारे ये नए वाले राइस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा और हमें ऐसा राइस मिलेगा जो विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। क्योंकि विटामिन ए का कलर येलो होता है, इस राइस का कलर येलो होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन राइस। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, प्लीज़ वॉच इट। सेकेंड जो हमारा पॉइंट था, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा पहला पॉइंट था, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कर पाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें मिलता है थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग। तो मेंटेन स्टराइल कंडीशंस, व्हाई? टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ, हमें जो भी हमारी जो काम के, पसंद के या डिज़ायरेबल जो डीएनए है हमारा या सेल है या माइक्रोब है, जो भी कुछ हम तैयार करना चाहते हैं जिसमें हम अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आर्टिफिशियल वाला, उसे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाना, उसके लिए हमें कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो हमें केमिकल इंजीनियरिंग से मिलती हैं ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिल सके। अब ये जो प्रोडक्ट है, हमारे यूज़ का प्रोडक्ट एंटीबॉडी के फॉर्म में हो सकता है, किसी एंजाइम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये किसी वैक्सीन के फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी हमें प्रोडक्ट हमें चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कंडीशंस हमें देने की ज़रूरत है, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग।